हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज की क्लास में मैं लोकेशन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। उप सह संयोजक यौगिकों की बात चल रही थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको बर्नर्स का सिद्धांत बता दिया था, साथ में हम मैंने क्लेशन क्लेटीकरण बता दिया था। आज हम कुछ नियमों की बात कर रहे हैं, दो नियमों की बात करेंगे जो ये बताएंगे कि कोई संकुल स्थायी है या नहीं है। ठीक है, कोई भी संकुल या कॉम्प्लेक्स कब स्थाई होता है या कब स्थाई नहीं होता, ये हमको कुछ नियम बताएंगे। ठीक है, ये नियम आपके आगे थर्ड ईयर में भी काम में आएंगे और आगे की क्लासों में भी काम में आएंगे। तो जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, वर्नर ने ये बताया कि किसी भी संकुल में दो प्रकार की संयोजकताएं होती है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन किस प्रकार ये स्थाई होती है, किस प्रकार नहीं होती, इसके बारे में ये नहीं बता पाया। ठीक है, तो उसके बाद एक वैज्ञानिक ने ट्राई किया जिसका नाम था सिजविक। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरे संकुल में धातु है तो धातु के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि धातु के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस लिगैंड से उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लिगैंड से मिले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर उनकी संख्या उत्कृष्ट गैस जैसी हो जाती है तो हमारे पास संकुल स्थाई होता है। आपको पता नहीं उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये। अगर उनकी संख्या ये हो जाती है तो हमारे पास संकुल स्थाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर हमारे पास, नियम क्या है? नियम ये है कि धातु का जो भी परमाणु क्रमांक है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, जो भी सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर है, धातु का परमाणु क्रमांक, ठीक है, माइनस में ऑक्सीकरण अवस्था तो लेनी पड़ेगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं धातु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्लस लिगेंडो द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये होता कैसे है? जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CuNH3 6, ठीक है, 2 प्लस। अब इसमें पूछ लिया कि कॉपर का EAN ज्ञात करो। ठीक है, तो कॉपर का EAN कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे देखो, कॉपर कितने नंबर पे आता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? 29। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, माइनस दो। और यहां पे लिगेंड कितने हैं? 6। ठीक है, लिगेंड 6। बच्चों देखो, एक लिगेंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 12।
कितने दे सकते हैं? 12। तो ये टोटल कितने हो गए? 39। अच्छा, 39 नंबर पे इनमें से कोई गैस आती है या नहीं आती है? नहीं आती। 36 पे आती है? 39 पे कहाँ आती है? 36 पे आती है आर्गन, 39 पे नहीं आती है, नहीं आती ना। तो ये क्या हो गया? अस्थाई। मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, करना सिर्फ इतना सा है, जो केंद्रीय धातु है उसका परमाणु क्रमांक देख लेना है, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 +3 उसको घटा लेना है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी लिगेंड हैं उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। एक लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया? अस्थाई हो गया, ठीक है। कोई सा भी कंपाउंड है, मैंने एक एग्जांपल बताया है, सारे नहीं बता सकता मैं, अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन कोई सा भी एग्जाम्पल है, एनी एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल है, आप उठा के देख लीजिए और उसमें निकाल के देखिए, आप EAN आसानी से निकाल सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? EAN, इसको मिटा दूंगा। अब बच्चों देखो, EAN ज्ञात करने के लिए हमको ये भी ज्ञात करना पड़ता है। EAN ज्ञात करने के लिए हमको एक बात और याद रखनी पड़ती है, क्या? हमको प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात रखना पड़ेगा, जो शायद हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमको एक नियम और दिया गया जिसका नाम है 18 इलेक्ट्रॉन नियम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज होती है? जो हमारे पास संकुल है, संकुल में केंद्रीय धातु है, उसके वैलेंस शेल में यानी कि बाह्यतम कोषों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, ठीक है। आपको सीधे ये एग्जांपल दिखाता हूँ ना मैं, ये Fe(CO5), ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब जो Fe है वो कितने नंबर पे आता है? 26 पे। हमें केवल बाह्यतम कोष के लेने हैं, ठीक है। तो बाह्यतम कोष का क्या होता है? 3d6 और 4h2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, ये हमने लिख दिया 8, ठीक है। प्लस कोबाल्ट, 5 कोबाल्ट जुड़े हुए हैं, 5 कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं, 5 कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं। आपको पता है एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 5 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे, वो सॉरी 5 लिगेंड 10 इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे। तो ये 5 है तो 5 दुनी क्या कर देंगे हम? 10। तो 8 और 10 कितने हो गए? 18। यानी कि ये क्या है? स्थाई है। आपको तो लिगेंड के लिए क्या करना है? लिगेंड के लिए सिंपल सा काम करना है, जितने भी लिगेंड है ना उसको 2 से गुना कर देना, 5 है तो 2 से गुना कर देना, 6 है तो 2 से गुना कर देना, 4 है तो 2 से गुना कर देना, वो निकालना है, ठीक है। ये काम करना है। और जो भी धातु है, धातु का क्या है? परमाणु क्रमांक ऑक्सीकरण अवस्था हटाकर वो हमको लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, CrCO6, क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, याद है? अच्छा, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन
3D5 4S1, 3D5 4S1, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। कितने हो गए? 6। चौबीस पे आता है ना ये, क्रोमियम 24 पे आता है। 3D5 4S1 छः हो गए। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बोनिल समूह हैं, एक कार्बोनिल समूह कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। तो 6 कार्बोनिल कितने समूह देंगे? 6 × 2, तो 6 + 12 कितने हो गए? 18। यानी कि ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ एक काम करना है, आपको तो सिर्फ ये देखना है धातु के परमाणु क्रमांक, वो धातु के भायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा काम क्या करना है? धातु के भायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस कितने लिगैंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 18। 18 आता है तो स्थाई है, 18 नहीं आता तो वो अनस्टेबल है, अस्थाई है, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की बातें हम कल करेंगे, और कल हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।